खड़ा लगा जैसा कि आप सबसे ज़्यादा फेवरेट है कश्मीर का डिश वो है वाजवान, वो सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन जो आज हमारा यहाँ प्रोग्राम है वो तंदूर के रिलेटेड है, क्योंकि जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इंडिया साउथ इंडियन के या बाकी यूएसए जो भी फॉरेन कंट्री है उनसे जो भी यहाँ पर ये टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर तंदूर के रिलेटेड खाते हैं, इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो तंदूर के रिलेटेड है। हम उसमें सीखे क्या क्या बन सकता है, उसमें क्या क्या बन रहा है, रोज़गार के ऊपर इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी बच्चे नहीं हैं, वो ज़्यादातर यही जो कि आजकल का आपको पता होगा ड्रग्स का जो चल रहा है उससे हमारे माहौल में भी बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है और नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है, इसलिए हम इसे सीख लें और अपने रोज़गार को डेवलपमेंट कर सकते हैं। पूरा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, एक बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ के लोकल के लिए, और इनको पता ही नहीं है। अगर ये इस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, बहुत पैसे ये जनरेट कर पाएंगे, अपने फ्यूचर को सेफ बनाएंगे। और यहाँ की लोकल यूथ जो है, नॉट ओनली द लोकल यूथ, पूरा कश्मीर जो है, यू नो दे हैव ओनली वन थिंग इन देयर माइंड्स कि गवर्नमेंट जॉब से आगे भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे वो मतलब पैसा कमा सकते हैं, अपना फ्यूचर सेफ कर सकते हैं। तो हमारा यही एक मकसद है इस कोर्स के लिए कि ये इस स्किलफुल कोर्स, इस प्रोफेशनल कोर्स को यूटिलाइज करके आगे बढ़ जाए, अपने रेस्टोरेंट्स खोल पाए, अपना बिजनेस सेटअप कर पाए, थोड़ा बहुत पैसा इनके पास है तो इन्वेस्ट करें, नहीं है तो दे हैव अ कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो एंड हैव अ जॉब इन नंबर एंड इन कपल ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स।